बिग बॉस के घर में फाइट्स होना इतनी आम बात है, जैसे मान लो कि बिना फाइट के तो बिग बॉस का घर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और कुछ कंटेस्टेंट ये मिथ अपने साथ लेकर आते हैं कि अगर घर में उनको अपनी इंडिविजुअलिटी प्रूफ करनी है तो उन्हें लड़ना झगड़ना पड़ेगा, चाहे मुद्दे पर या फिर बिना मुद्दे के भी। और उनमें से एक कंटेस्टेंट बताए जाते हैं अभिषेक। जी हाँ, फैंस अक्सर ये बातें करते हैं कि अभिषेक को बस लड़ने का मौका चाहिए होता है और वो सच में बिन बात के अग्रेसिव हो जाते हैं। फैंस अक्सर उन पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन अब ये इल्ज़ाम ऐश्वर्या ने भी लगा दिया है। दरअसल ऐश्वर्या शर्मा और अभिषेक कुमार का एक कॉन्वर्सेशन सामने आया है, जिसमें उन्होंने अभिषेक कुमार को बिग बॉस की हिस्ट्री के दो सबसे पॉपुलर नामों के साथ कंपेयर कर दिया है। दरअसल ऐश्वर्या शर्मा का कहना है कि बिग बॉस 13 उन्होंने इसलिए देखना छोड़ दिया था क्योंकि उसमें आसिम रियाज काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होते थे, काफ़ी अननेसेसरी फाइट्स करते थे, और अब इस सीज़न में मुझे तुम वैसे ही दिख रहे हो, इस वजह से कहीं कोई लोग तुम्हें भी देखना बंद ना कर दे, तो थोड़ा सा कंट्रोल करो। आपको बता दें, हाल ही के एपिसोड में भी जब विकी और अभिषेक की फाइट चल रही थी, उस वक्त भी ऐश्वर्या नील भट्ट से यही कहती नजर आई थी कि अभिषेक बिन बात का मुद्दा बना रहे हैं। बात ईशा से हो रही है, लेकिन अभिषेक को यहाँ इस लड़ाई में कूदना है क्योंकि उन्हें फुटेज चाहिए। अब ये बात उन्होंने पीठ पीछे तो कह दी, लेकिन अब भाई उन्होंने फेस पर भी कह दी। दरअसल आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला से कंपैरिजन की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, ऐश्वर्या शर्मा ने आसिम रियाज के लिए ये कमेंट किया कि उस वक्त आसिम बहुत अग्रेसिव थे, इस वजह से मैंने सीजन देखना छोड़ दिया था, और वैसा ही कुछ तुम करते नजर आ रहे हो। तो अल्टीमेटली उन्होंने आसिम रियाज से अभिषेक का कंपैरिजन कर दिया। आपको बता दें, अभिषेक इस सीज़न की शुरुआत में ही ये बात काफ़ी साफ कर चुके हैं कि क्योंकि आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला काफ़ी अग्रेसिव थे, इस वजह से लोग उन्हें देखना पसंद करते थे और ये चीज़ें लोगों को एंटरटेनिंग लगती हैं। इस बात पर उनकी डांट भी बहुत पड़ी थी बिग बॉस से, लेकिन आपको बता दें, डांट पड़ने के बाद भी अभिषेक जो है वही पैटर्न फॉलो करते आए हैं, वैसा ही फैंस का कहना रहा है। लेकिन आपको बता दें कि एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस वो भी है जो अभिषेक को भरपूर पसंद कर रही है। अभिषेक के गेम को लोग रियल और क्लियर बता रहे हैं। उनका कहना है कि बंदा अग्रेसिव होता है तो अग्रेसिव होता है, प्यार दिखाता है तो प्यार दिखाता है, और अगर रोता है तो वो भी खुलकर रोता है। और यही वजह है कि अभिषेक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के तौर पर बिग बॉस 17 में नजर आ रहे हैं। लेकिन बात करें ऐश्वर्या शर्मा की, तो उन्होंने तो उन्हें आसिम रियाज की कॉपी बता दिया है कहीं ना कहीं। वेल, इस वक्त इस सीजन में आपको कौन लग रहा है कि कौन होगा टॉप 5, क्योंकि आधा सीजन तो खत्म हो चुका है। अब ऐसे में कंटेस्टेंट्स का जाना कब शुरू होगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि 2 हफ्तों से एविक्शन हुए नहीं और अचानक से मिडवीक एविक्शन कर दिया गया। अब इस हफ्ते 5 लोग नॉमिनेटेड हैं, जिनके नाम है सना, तहलका, अनुराग, जिग्ना वोरा और अंकिता। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि इन 5ों में से कौन घर जाता है और किसका कंपटीशन कम हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस बारे में आपका क्या कुछ है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी बीट।